हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जीनी कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आऊं। मैं जानकारी लेकर आऊं एग्जीबिशन से रिलेटेड। दोस्तों कोलकाता के अंदर पुराने नोट्स क्वाइन के एग्जीबिशन लगने वाले हैं जिसकी शुरुआत होगी 13 सितंबर 2024। दोस्तों वहाँ से मैं 3 दिन लाइव रहूँगा और ये एग्जीबिशन 3 दिन चलेगा, 13, 14, 15 सितंबर 2024। जिस फ्रेंड के पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो, रेयर स्केयर कलेक्शन हो, कॉमन में भी यूएनसी हो, तो वही लोग लेकर आएँ। बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं जिसमें बहुत सारे सिक्कों का, जी कॉमन सिक्कों, कॉमन मीन्स एकदम नॉर्मल सिक्के का कीमत या नोट का लाखों में बताएं। प्लीज़ उस सबसे बचे, वो सब फ्रॉड है और झूठी बातें हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके पास कलेक्शन हो तो प्लीज़ मत लेकर आएँ जिसका लाखों में कीमत हज़ारों में बताते हैं, वो सब सारे फ्रॉडर है और बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ अगर आपको कलकत्ता एग्जीबिशन में आना है, और बहुत सारे लोग दूर दराज से आते हैं, जैसे उड़ीसा से आते हैं, कलकत्ता के आसाम से भी लोग आते हैं, बिहार के भी आएंगे, झारखंड के भी आएंगे, यूपी से भी आएंगे। तो दोस्तों आप अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो, इसमें जो भी जानकारी दूंगा पूरा वीडियो देखिए, और जो मैं जानकारी दूंगा प्लीज़ वैसा अगर कलेक्शन हो तो लेकर आएँ। कॉमन कलेक्शन लेकर आएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम और पैसा दोनों आपका बर्बाद होगा। और फिर आप एग्जीबिशन में स्टॉल में आएंगे, फिर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, फिर आप बोलेंगे अरे भैया मैं तो वीडियो देख के आया, इधर उधर का लाखों बताते, इधर कोई वैल्यू नहीं। भैया जो एग्जीबिशन में जो भी वैल्यू होती है 10-20-5-10% का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सच्चाई एग्जीबिशन में ही हो। और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं जो यूट्यूब फेसबुक पे बहुत सारे फ्रॉडर बैठे हैं जो लोगों को गलत गलत जानकारी दे के बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इधर एग्जीबिशन में कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता है। हाँ, हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। हो सकता है आपका अगर 1000 का सिक्का हो तो पहले जो 1000 का होगा वो 500 में आपसे मांगेगा, 600-700 तक मांगेगा, क्योंकि 500-700 मिलेगा तभी वो 800-900 में बेचेगा। 1000 का सिक्का 1000 में जल्दी बिकता नहीं है। तो एक मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, इसी तरह आपके हर रेयर आइटम का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों मैं वहाँ से लाइव रहूँगा 3 दिन, ठीक है, मेरा स्टॉल भी है। अब मैं बताता हूँ इस एग्जीबिशन में कुछ ऐसा आइटम हो, अगर ऐसा कलेक्शन हो तो प्लीज़ मत लेकर आइएगा, तो आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी होगा, और जिस काउंटर पे घूमेंगे सबका बर्बाद होगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कलेक्शन हो तो मत लेकर आए। जैसे 5 रुपये वाला ट्रैक्टर वाला नोट लेकर नहीं आना है खुले में, 5 रुपया 10 रुपया माता वैष्णो देवी का सिक्का लेकर नहीं आना है, एच मिंट बार वाला 1 रुपये का सिक्का नहीं लेकर आना है, गेंडे वाला 25 पैसा सिक्का लेकर नहीं आना है, उसके बाद में 5 रुपया जवाहरलाल और इंदिरा गांधी का सिक्का लेकर नहीं आना है, 50 पैसा इंदिरा गांधी का सिक्का लेकर नहीं आना है, स्टील वाला कोई भी सिक्का हो बिना चित्र वाला हो बिल्कुल लेकर नहीं आना है, 25 पैसे से लेकर 5 रुपये तक स्टील में जितना सिक्का बना नहीं ले। फोटो वाला कॉमरेटिव कॉइन होता है जिसपे चित्र होता है, तो 5 रुपये में ला सकते हैं, उसमें कॉमन भी आता है और रेयर भी आता है, स्केयर आता है, रेयर नहीं आता है, तो आपका गुड लक रहेगा। और बोलिएगा कि सर आपको हमें कैसे पता कि कौन सा सिक्का महंगा है नहीं महंगा, उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जी एन ए कलेक्शन का वीडियो सर्च करके देखें, शॉर्ट लॉन्ग वीडियो, दूसरा ऑप्शन या तो आप गाइड बुक खरीदिए, ये 2 ऑप्शन है आपको जानने के लिए। तीसरा ऑप्शन है आपको अगर कंफर्टेबल है, आ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है दोस्तों, ये बताया ये नहीं लेकर आना। पीला वाला 5 रुपया 10 रुपये का जो मार्केट में कॉइन चल रहा है, कोई भी कॉइन जो मार्केट में आज के डेट में चल रहा है, वो ऐसा कलेक्शन हो तो मत लेकर आइएगा। फिर उसके बाद मैंने एक पटना वाले वीडियो में बताया है कि गंदा मैला 1 का 2 का 5 का 10 का नोट हो, पुराना होने से नहीं होता है, कंडीशन अच्छा होना चाहिए, 100 का, वैसा कलेक्शन हो तो मत लेना। पुराने ज़माने का नोट हो लेकिन कंडीशन अच्छा हो, सिक्का हो कंडीशन अच्छा हो, तो आपको बिकेगा। सबसे जल्दी बिकने वाला सिक्का है कॉमरेट कॉपर निकल का कॉमरेटिव कॉइन, और उसको क्या बोलते हैं, वो सब जल्दी आपको बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा उपदेश है कि जो लोग आते हैं एग्जीबिशन में और मन छोटा करके चाहते हैं, तो ऐसा कॉमन कलेक्शन लेकर मत आइए। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपका समय बर्बाद होगा, स्टॉल वाले का समय बर्बाद होगा, और मेरा खुद भी। पहले आप कोई भी कलेक्शन करें तो जानकारी हासिल करें, मेरे यूट्यूब चैनल का वीडियो देखें। अब आप लोग तो लखपति वाला वीडियो देखकर पागल हो जाते हैं, मैं चाहता हूँ जिस, और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी वीडियो के अंदर मोबाइल नंबर देखिए प्लीज़, उस पर मत कॉल करना, वो सारे फ्रॉडर है, चीटर है। जिसने आपसे मोबाइल नंबर आपको दिया वो समझना वो फ्रॉडर है, आपको चूना लगाएगा, आप जिस तरह मीठा बात करके लूटे जैसे लूटे। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया, दूसरा बहुत सारे मेरा ये फ्रॉडर्स हैं, मेरा वीडियो यूज़ कर रहे हैं उसमें मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वॉइस भी मेरा चेंज कर देते। तो जिधर मेरा वीडियो देखिए सिर्फ नीचे GNA कलेक्शन चैनल होना चाहिए, नंबर 1, मतलब यूट्यूब पे GNA होगा, इंस्टाग्राम पर GNA_collection4260 होगा, फेसबुक पर GNA_collection4260 होगा, यही मेरा चैनल। इसके अलावा कोई मेरा वीडियो देखे नीचे चैनल देखिए कि मेरा है कि नहीं, तभी आप उस वीडियो को देखें। तो यूट्यूब में आपको क्या करना है,
जिसमें मोबाइल नंबर रहे उसको मत कॉल करना, वो सारे फ्रॉडर बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लोगों को सही जानकारी मिले। बहुत लोगों को तो मैं समझाते समझाते थक चुका हूँ। हाँ, जिस वीडियो यूट्यूब का कोई भी आप चैनल देखो जिस पे लिखे कि 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, वैसा वीडियो को आप ब्लॉक करें अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग को संतुलन में रखना। तो लखपति वाला कोई भी वीडियो हो तो अपना दिमाग को स्थिर रखना चाहते हैं, जिस वीडियो में 1 लाख 2 लाख का सिक्का बोल दिया वो ज़िंदगी भर ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगा। वो वीडियो जो जो भी चैनल बनाता है वो अपना वीडियो चलाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाता है, आप लोग पागलों की तरह भटकते रहो, ऐसा करके अपना वीडियो चला के पैसा YouTube से कमा लिया। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग कलेक्टर कम डीलर है, हम लोग फेस टू फेस लेते हैं, और बैठे बैठे ज्ञान देने वाले वो लंबी लंबी बातें करेंगे और बाद में आप लोग बेवकूफ़ बन गए, थक हार मार के घर बैठ जाओगे। आपने कितना वीडियो देखा, शेयर किया, उसको उसका फ़ायदा हो गया, आप लोग बेवकूफ़ बन के थक हार के बैठोगे। मैं दोस्तों यही चाहता हूँ, आप 1000 रुपये में ही 50,000-20,000 का सिक्का लो, उसी में कमाओ। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, दोस्तों एग्जीबिशन का एड्रेस नोट कर लो। ये एग्जीबिशन होने वाला है कोलकाता के अंदर, हल्दीराम 3rd फ्लोर, बालीगंज पार्क, नियर पार्क सर्कस कोलकाता। उसके 3rd फ्लोर पे लिफ्ट से जाना होता है, बाहर भी बहुत सारे होते हैं, मैं ऊपर में मिलूँगा दोस्तों। 3 दिन, सुबह में 8 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक एग्जीबिशन होता है, 11 बजे से, लेकिन मैं मॉर्निंग में 8 बजे तक आता हूँ। बहुत सारे लोग दूर दराज से सुबह में आते हैं तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो बाहर भी लोगों से मिल लेता हूँ, अंदर बहुत भीड़ होता है तो बहुत सारे लोगों से मैं बाहर भी डील कर लेता हूँ स्टॉल लगाने से पहले। तो 8 से 10 मैं बाहर मिलूँगा और सुबह 11 बजे से शाम में 6 बजे तक एग्जीबिशन के स्टॉल में अंदर मिलूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो देखें। जिसको जानकारी चाहिए, बहुत सारे सिक्के हैं तो गाइड बुक मेरे से बाइक कर सकते हैं, मैंने गाइड बुक का अलग से वीडियो बनाया है और उसमें नंबर भी है व्हाट्सअप, जिसको लेना है 960 रुपया गाइड बुक का क्वाइन का प्राइस। नोट वाला अभी ख़त्म है, अगर वो आएगा तो उसका मैं अपडेट डालूँगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग का धन्यवाद, जय हिंद।